Hello future officers, I welcome you all to the learning platform of Georgians Defence Academy. SSB की डेट्स आ गई हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये सवाल है या वो ये सोचते हैं whether they should opt for a training program or not. क्या कोचिंग ज़रूरी है? Well, after all SSB is assessment of your personality, but then in today's world, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये डिफरेंस रियलाइज करें बिकॉज थिंग्स हैव इवॉल्व नाउ. जब बैक इन 2001 जब मैंने अपनी SSB दी थी तो रेयरली एनी ट्रेनिंग फॉर्मल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे. ज़्यादातर बच्चे रॉ आते थे तो सिचुएशन सबके लिए एक जैसी होती थी. फॉर एग्जाम्पल रिटेन में निगेटिव मार्क्स नहीं होता था NDA में, बट अब है तो सबके लिए है. तो अब पॉइंट ये है कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है, ऑफलाइन है, ट्रेनिंग कोचिंग मेंटरिंग इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर इंडिया में आपको अवेलेबल है. तो आज के डेट में जो ट्रेंड है, इट इज एडवाइजेबल कि आप एक ट्रेनिंग फॉर्मल टेलर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ऑप्ट करो बिकॉज आप डिसएडवांटेज में नहीं रहने चाहिए. स्पेशली अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें बिकॉज स्क्रीनिंग में टाइम कम होता है and the most critical part is the discussion. So even if not training but then aapko wo platform available hona chahiye jahan aap apne same you know potential ke candidates ke sath active discussion mein participate kar sako. You know do's and don'ts of a group discussion kya hote hain, theek hai, tone of voice, body language, content, frequency of speaking, whether to take lead or not, ye sab aapko practice se hi aayegi. और अदर आपका वर्बल कम्युनिकेशन वीक है तो ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर प्रैक्टिस. सो इन माय पर्सनल ओपिनियन इट इज नाउअडेज एडवाइजेबल टू ऑप्ट फॉर यू नो अ टेलर मेड फॉर्मल मेंटरिंग ग्रूमिंग या आप उसको अगर कोचिंग ही कहना चाहते हो प्रोग्राम. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जॉर्जियंस डिफेंस अकेडमी से हो या पर्टिकुलरली किसी एक उससे हो, बट आज मैं एज अ मेंटर बिकॉज आई ऑपरेट इन दिस फील्ड, ठीक है, आई गिव अ मैसिव टाइम ऑफ माई डे टूवर्ड्स दिस कॉज, वी विल ट्राई एंड ब्रेन स्ट्रॉम कि बिफोर चूजिंग एनी मेंटरशिप प्रोग्राम क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ कैंडिडेट. आई एम अगेन सेइंग इट इज नॉट कंपल्सरी कि ये जॉर्जियंस डिफेंस अकेडमी ही हो, बट अगर आप कहीं पर अपना समय वो भी क्रिटिकल टाइम और थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो देन यू मस्ट फर्स्ट एनालाइज ऑल दिस एस्पेक्ट्स यू नो बिफोर गेटिंग योरसेल्फ इनरोल्ड, राइट. ओके, सो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एकदम फेयर मैनर में, ऑलराइट, एकदम फेयर मैनर में मैंने ये 10 पॉइंट्स अपने हिसाब से देखे हैं. अगर मैं एज अ कैंडिडेट कहीं कुछ चूज कर रहा होता तो कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर करता. आई एम अगेन सेइंग इट इज योर पर्सनल कॉल, आफ्टर ऑल इट्स योर लाइफ, इट्स योर मिशन रिकमेंडेशन, बट एज अ मेंटर एट दिस क्रिटिकल टाइम यू नो जब इतने सारे प्लेयर्स मार्केट में हैं ऑनलाइन ऑफलाइन यू नो डिफरेंट वॉल्यूम्स डिफरेंट लेवल ऑफ ऑपरेशंस इन हाउस अकेडमीज हैं बहुत सारी चीजें हैं. सो एज अ कैंडिडेट मैं एटलीस्ट इन चीजों को एक बार जरूर कंसिडर करता कोई डिसीजन लेने से पहले. जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे यू नो हर्ड ऑफ अ शीप है जिसको हम भेड़ कहते हैं. तो स्टूडेंट लाइफ में भेड़ चाल एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है, ठीक है. ये कोई हाईवे का ढाबा नहीं है जहाँ गाड़ियाँ को देख के गाड़ी रुकती है, राइट. ये टोटल डिपेंड करता है आपकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स पे, ठीक है. तो कुछ फैक्टर्स लेट्स डिस्कस. In my opinion, the most critical element of self-improvement in a platform like SSB Service Selection Board, because it is about your personality, is individual attention. Kya individual attention available hai? Which is inversely proportional to the batch size, right? Aapne science mein padha hoga. Jitna bada batch size hoga, practical on-ground individual attention, utna kam hoga. So whenever you call for an inquiry, do inquire कि भाई exactly in my batch how many people are going to be there जिनके साथ हम lecturer, GD या अपनी GTO के जो task हैं या for example any kind of you know joint session है वो हम करेंगे per batch.
individual weakness and strength assessment along with detailed feedback and continual monitoring. ठीक है, हर एक बच्चे की requirement अलग होगी. ठीक है, क्या बच्चे का एक dossier maintain हो रहा है, क्या हम उसको individually attention दे पा रहे हैं, उसकी weaknesses को उसको बता रहे हैं. और सिर्फ weakness ही नहीं बताना, आप क्या उसको एक path वे फॉरवर्ड प्रोवाइड कर रहे हो और बार बार उसको कंटिन्यूअल मॉनिटरिंग के दौरान बीच बीच में भी फीडबैक्स दे रहे हो कि नहीं दे रहे. जेन्युइन पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग एंडेवर्स. पर्सनालिटी ग्रूम करना सबसे मतलब क्रिटिकल पार्ट है आपके एसएसबी रिकमेंडेशन का. यू कैन नॉट जस्ट मग अप थिंग्स. आप चीजों को रट कर एसएसबी क्रैक नहीं कर सकते, बिकॉज वहां 5 दिन में अलग अलग डोमेन्स के असेसर्स, एक्सपीरियंस असेसर्स बैठे हैं जो कि आपकी ओरिजिनलिटी को एसेस करने के लिए वहां बैठे हैं. सो बेटर अगर नहीं है तो बन जाएंगे, ट्रेनिंग से बन जाएंगे, ग्रूमिंग से बन जाएंगे. कुछ पर्सनालिटी, कुछ अपने थॉट्स को इंप्रूव करेंगे, पॉजिटिविटी इनग्रेन करेंगे. ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड मोरल बूस्टिंग. ऑब्वियसली एज अ ट्रेनर एंड मेंटर कई बार मैं देखता हूँ यू नो एलिमेंट ऑफ फटीक आ जाती है. बच्चा आया लेक्चरेट देने की एस्पिरेंट कोशिश कर रहा है, ब्लैंक हो रहा है, स्टेज फियर है, तो उसमें एक बार कई बार उसका मोरल भी डाउन होता है, क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, स्पेशली इन केस ऑफ रिपीटर्स. ठीक है, रिपीटर सुनने में एक निगेटिव वर्ड लगता है, बट इन माई ओपिनियन इट इज नॉट. उसने कोशिश तो की. ठीक है, जो बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा उससे तो वो मच बेटर है. ठीक है, तो रिपीटर क्या कर सकते हैं, लास्ट टाइम क्या हुआ नहीं हुआ उसको डिस्कस करके, अपने वीकनेसेस पे इंप्रूव अपॉन करके ऑब्वियसली आगे बढ़ सकते हैं. जिसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है. जो स्क्रीन आउट हो जाता है वो सोचता है मैं स्क्रीन आउट हो गया, रिकमेंडेशन तो मिलो दूर है. ठीक है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नॉट ओनली एज टीचर, मेंटर और यू नो गाइड, एज अ एल्डर, यू नो एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, एक बड़े भाई के नाते, ठीक है, उसको उस बच्चे के साथ आप बैठो, उससे बात करो, कोई और प्रॉब्लम है नहीं है उसको सॉल्व करो. बिकॉज यू नो अगर सारी चीजें ठीक चलेंगी तभी आउटकम पॉजिटिव आएगा. इफेक्टिव कम्युनिकेशन ट्रेनिंग बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल. अवेलेबिलिटी ऑफ स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारी चीजें इंडिविजुअल अटेंशन के ही चारों ओर घूम रही हैं, बैच साइज के ऊपर. ठीक है, कितनी बार आपको मौका मिला स्टेज पे आने का. स्टेज doesn't mean इट हैज टू बी एन एलिवेटेड प्लेटफॉर्म. स्टेज means आप बोल रहे हो. ठीक है, आप पॉइंट ऑफ अटेंशन हो और कई लोग आपको सुन रहे हैं. अब यहीं पे अगर 1-to-1 बोलोगे वो आपका पर्सनल इंटरव्यू बन जाएगा, खड़े होकर बोलोगे लेक्चरेट बन जाएगा, बैठ के डिस्कस करोगे वो आपकी GD बन जाएगी, ग्राउंड में खड़े होकर डिस्कस करोगे वो हाफ ग्रुप टास्क, प्रोग्रेसिव नो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइजेस इन दुनिया जान जो है, फाइनल ग्रुप टास्क ने एक रेस जो है उसमें भी डिस्कशंस होती हैं. तो यू कैन इमेजिन फॉर योरसेल्फ, यू कैन वेरी वेल यू नो जज कि कम्युनिकेशन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वर्बल बोल के क्या बोल रहे हो और नॉन वर्बल आपका शरीर, आपकी आंखें, फेशियल एक्सप्रेशंस क्या बोल रहे हैं. पर्सनल अवेलेबिलिटी ऑफ फेस टू एस्पिरेंट्स, नंबर ऑफ एक्चुअल मॉक्स. पर्सनल अवेलेबिलिटी ऑफ फेस का मतलब भाई इंस्टीट्यूट के जो कोर फैकल्टी हैं वो कितना टाइम पर इंडिविजुअल को दे पाए. कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो इंस्टीट्यूट है या कोई भी जो ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है वो प्रोजेक्ट किसी और को कर रहा है बट आप ऑन ग्राउंड जा रहे हो तो उस पर्टिकुलर पर्सन से मिलने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही बिकॉज ही माइट बी टू बिजी बिकॉज ऑफ द वॉल्यूम. सो दैट इन माई ओपिनियन इज नॉट दैट फेयर प्रैक्टिस. सो आप इंश्योर करें कि भाई जिनके रेफरेंस, जिनका नाम, जिनका चेहरा आप देख के आए हो उसके साथ आपको कितना समय यू नो सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, डिस्कशंस के लिए एक्चुअली ऑन ग्राउंड मिल रहा है. ये पॉइंट टू बी यू नो कंसिडर्ड है. पास्ट पोटेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द एकेडमीज ऑब्वियसली. ठीक है, पहला क्या रिकॉर्ड रहा है, कितने रिकमेंडेशंस हुए हैं. बट यहां पे एक चीज आप याद रखना, रिकमेंडेशंस को अगर आप कभी कंपेयर करते हो तो डू इट ऑन परसेंटेज बेसिस. ठीक है, होता क्या है 1000 बच्चे आ रहे हैं उसमें से कोई खुद भी रिकमेंड हो रहे हैं. ठीक है, तो नंबर्स इस पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए. एक्चुअल खुशी तब होती है जब उस बच्चे का रिकमेंडेशन होता है जिसमें एज अ मेंटर हम कुछ इंप्रूविंग एलिमेंट बन सके ऑन ग्राउंड. ठीक है, कुछ प्री पॉलिश बच्चे आते हैं. ठीक है, कम्युनिकेशन पहले से अच्छा है, कुछ इनग्रेन पॉजिटिविटी है. ठीक है, चांसेस ऑफ रिकमेंडेशन शुरू से ही हाई हैं.
बट हमारा एंडेवर ये नहीं होता कि बस उन पे फोकस करें, रैदर जो बच्चा थोड़ा वीक है कम्युनिकेशन में, स्टेज फियर है उसको, बोलता नहीं है, मिक्सअप अराउंड नहीं होता, हल्का इंट्रोवर्ट है, मे बी हिंदी स्पीकिंग बैकग्राउंड से है या किसी गांव से उठ के आ रहा है, हमारे नज़रों में अगर उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला पाते हैं वही हमारी रियल जीत होती है। और अगर रिकमेंडेशन हो जाता है तो ट्रस्ट यू मी वो भी हमें जिंदगी भर याद रखता है और ऑब्वियसली हमारे दिल में भी उसके लिए एक अलग जगह होती है बिकॉज उसने इसको अपनी मेहनत से हासिल किया है, रोज गिरकर फिर से उठकर हासिल किया है। जेन्युइन रिव्यूज ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक गूगल, आप गूगल पे जाके जेन्युइन रिव्यूज पढ़ सकते हैं, आजकल रिव्यू का जमाना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हाइपर रोल प्ले करती है, यूट्यूब प्रमोशन, थिंग्स लाइक दैट। बट देन एक्स स्टूडेंट्स जो दिल से लिखते हैं, आप पढ़ के बता सकते हैं रिव्यू जेन्युइन है और नॉट जेन्युइन है, ठीक है। नंबर ऑफ मॉक्स कितने होते हैं एक्चुअल, आइडियली हम यहाँ पे आपको एटलीस्ट हर का 3 मॉक कराएंगे, एक रॉ मॉक होगा बिना किसी ट्रेनिंग बिना किसी मेंटरिंग के, ठीक है, आप क्या हो, उसके बाद डिस्कशंस होंगी, फिर एक मॉक होगा, उसके बाद फिर से डिटेल रिव्यू दिया जाएगा हर एक चीज का, लेट इट बी पर्सनल इंटरव्यू या आपके वो चार साइकोलॉजी के जो डोमेन है या फॉर GTO एज वेल, राइट। एंड देन एक मॉक होगा आपके डी डे से पहले, जो आपको यहां से SSB यू नो प्रोसीड आप जब कर रहे हो उससे 3 या 4 दिन पहले होता है, एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू कम फॉर अ रिफ्रेशर कोर्स बिफोर गोइंग टू योर एक्चुअल SSB डेट्स। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इंडिविजुअल फिजिलिटी कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर्स, कितना है ड्यूरेशन कोर्स का, ठीक है, हर के लिए अलग है, अपियरिंग कैंडिडेट के लिए अलग है, जो ऑलरेडी काम कर रहा है ACC एंट्री SU एंट्री के लिए अलग है, आउट स्टेशन कैंडिडेट्स के लिए अलग है, जो एकदम रिटर्न निकाल के फुल्ली अवेलेबल है उसके लिए अलग है, तो आप ये फैक्टर्स को भी कंसिडर करें, ठीक है। आइडियली 14 दिन से लेकर 21 दिन आप रह सकते हो कहीं, इन हाउस की नहीं रह सकते, हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं नहीं है, आप कम्यूट कर सकते हो नहीं कर सकते, ओवर स्ट्रेस तो नहीं हो रहे हो, ठीक है, इन सब फैक्टर्स को आप कंसिडर करें, ठीक है। आप दिल्ली NCR में हैं, देन इज इट रिक्वायर्ड टू गो आउट टू सम अदर स्टेट एक अनकंफर्टेबल जोन में इस क्रिटिकल एंड क्रूशियल टाइम पे, तो इन फैक्टर्स को आप कंसिडर करोगे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगी, ठीक है। वैल्यू फॉर मनी इंडिविजुअल कैपेसिटी टू स्पेंड, भाई आफ्टर ऑल यू नो नथिंग कम्स फॉर फ्री, एंड जो चीज़ एकदम फ्री आती है उसका वैल्यू भी नहीं होता, राइट। सो आप अपने आपका बजट क्या अलाउ करता है, ठीक है, आप कितना स्पेंड कर सकते हो, अलग अलग यू नो लेवल्स हैं, यू नो पीपल आर यू नो चार्जिंग डिफरेंट यू नो लेवल ऑफ फीस फॉर ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, सो आप बैठ के अपना असेसमेंट करें, ठीक है। ये 10 फैक्टर्स आई थिंक विल बी एबल टू आंसर यू, ठीक है, कि विच काइंड ऑफ यू नो फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम यू शुड ऑप्ट, राइट। आई अगेन रिपीट, इट्स क्रिटिकल टाइम, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट एंड यूज योर डिस्क्रिशन। भेड़ चाल इज नॉट अ लीडर स्ट्रेट, बिकॉज लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिकमेंडेशन इज गोइंग टू बी एन इंडिविजुअल इवेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता हम 150 लोगों के साथ बैठ के पढ़ रहे हैं या 1-to-1 मेंटर के साथ बैठ के ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेन एम है हमारा रिकमेंडेशन, एंड ऑब्वियसली फॉर ग्रुप यू नो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है जिसमें हम GD एंड चीजों का एग्जैक्ट प्रैक्टिस कर सके जैसा कि ये होता है, ठीक है। और कोई क्वेरी हो, वीडियो कुछ पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, इस पे आने वाले समय में फ्री ऑफ कॉस्ट SSB रिलेटेड कंटेंट रिलेटेड वीडियो हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे फ्रॉम द वेरी बेसिक, जो कि इवन जो बच्चा डिफेंस एस्पिरेंट है स्कूल में भी है फ्री टाइम में नेटफ्लिक्स ना देखकर अगर अभी से अपने आप को ओरिएंट करेगा कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करनी है, ठीक है, बेसिक चीजें रिटन के साथ साथ हम कैसे तैयार कर सकते हैं, फिजिकल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या है, राइट, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम, ठीक है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू फील सो, ठीक है, औरों को भी बेनिफिट होगी, राइट। और एनी क्वेरीज यू कैन कॉल अपॉन द नंबर ऑन डिस्प्ले देयर, राइट। जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।